व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? बेटा प्रिंसिपल की बात करें तो सिद्धांत है ना, सिद्धांत मतलब कौन सी चीजें फॉलो करते हुए हमें चलना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ होते हैं हमारे, कि कौन सी चीजें लाइफ में हमें फॉलो करनी है आगे बढ़ने के लिए, राइट। सो ऐसे ही बेटा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजर, है ना। मतलब एक मैनेजर को जब अपनी मैनेजमेंट करनी है तो कौन सी चीजें उसको पता होनी चाहिए, क्या उसके डूज होने चाहिए और क्या डोंट्स होने चाहिए, एथिक्स क्या होने चाहिए एक मैनेजर के, ये मैनेजर को पता होना चाहिए, जिससे कि वो अपने टीम मेंबर्स को, सबॉर्डिनेट्स को खुश रख पाएगा। मैनेजर को बेटा, मैनेजर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है एक कंपनी में, राइट। मैनेजर को डिसीजन मेकिंग भी करनी होती, तो डिसीजन मेकिंग करते टाइम कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट करते टाइम कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए एक मैनेजर के लिए, वो भी क्या होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। बेटा एक मैनेजर को भी क्या चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए ना, जिससे उसे पता हो कि हाँ मुझे कैसा बिहेव करना है। एक्चुअली में देखा जाए तो एक मैनेजर अपने टीम मेंबर्स के लिए एक आइडल की तरह काम करता है, राइट। सो उस मैनेजर को तो कॉन्शियस होकर चलना ही चाहिए कि क्या बिहेवियर होना चाहिए सबॉर्डिनेट्स के साथ, कभी कोई डिसीजन लेना है तो क्या सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। दैट इज ऑल दिस टाइप ऑफ गाइडेंस इज गिवन टू द मैनेजर बाय द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ओके। सो आइए बेटा डिटेल में देखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है और उसके फीचर्स क्या है, डिटेल में हम बेटा स्टडी करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजेरियल डिसीजंस, है ना बेटा। जो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्टेटमेंट्स होती हैं फंडामेंटल ट्रूथ की, which act as guideline, जो गाइडलाइन की तरह एक्ट करती है, एक मैनेजर को बताती है कि ये सही रहेगा, ये सही नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना। जो गाइडलाइंस की तरह एक्ट करती है फॉर टेकिंग द मैनेजीरियल डिसीजन, जो भी डिसीजन एक मैनेजर को लेना है। जितने भी बच्चे मेरे साथ अभी इस टाइम पे प्यारे प्यारे बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हें बेटा मैं बता देती हूँ कि हम डेली अपने लाइव सेशंस को कंडक्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज के लिए। 1 PM हम डेली लाइव आते हैं अपने चैनल पे, और इसमें हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के लिए। इसमें हम आप लोगों की बुक 1 को कवर अप कराएंगे, इंक्लूडिंग द केस स्टडीज, इंक्लूडिंग द चैप्टर्स, ऑल द चैप्टर्स ऑफ द बुक 1 एंड इंक्लूडिंग द टॉपिक्स, सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप करते हुए बुक 1 को हम प्रॉपरली कवर अप करेंगे इस क्रैश कोर्स में। जून के मंथ में यू विल बी एबल टू कम्प्लीट योर बुक 1। तो आइए बेटा फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल के क्या फीचर्स होते हैं, फीचर्स मतलब क्या विशेषताएं होती हैं। तो फीचर्स को बेटा करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स या एस्पेक्ट्स, ये सब बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि फीचर्स को क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है ना बेटा, क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, या व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, या व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, राइट। तो आइए बेटा बात करते हैं फीचर्स की, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो नंबर 1, यूनिवर्सल एप्लीकेबल या परवेसिव। बेटा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे हैं, परवेसिव है। परवेसिव मीन्स इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, हर एक कंपनी में ये यूज हो रहे होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो कंपनी स्मॉल साइज हो या बिग साइज हो, सेंट्रलाइज्ड हो या डिसेंट्रलाइज्ड हो। सेंट्रलाइज्ड कंपनीज वो वाली कंपनीज होती हैं जिसमें ज्यादा सारी पावर टॉप लेवल के मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजर्स के हैंड्स में होती है, ठीक है। एंड डिसेंट्रलाइज्ड कंपनीज वो वाली होती हैं जिसमें पावर टॉप लेवल के हाथ में, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स के हाथ में बटी हुई होती है। प्रॉफिट मेकिंग है कंपनीज या नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, जैसी भी कंपनी है बेटा, हर कंपनी में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं अगर उस कंपनी को ढंग से वर्क करना, अगर उस कंपनी को अपनी मैनेजमेंट अच्छे से चाहिए, तो वहां पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होना बहुत जरूरी है। तो ऑलमोस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर जगह देखे जाते हैं। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल, लेट्स रिकॉल दिस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेटा हर जगह देखे जाते हैं। दीज आर एप्लीकेबल इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल होते हैं, वेदर इट इज स्मॉल और बिग और सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग।
फॉर एग्जाम्पल डिविजन ऑफ वर्क, डिविजन ऑफ वर्क बेटा एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जो कि आप हर जगह पे देखते हो, फैक्ट्रीज में देखते हो, बैंक्स में देखते हो. डिविजन ऑफ वर्क बेसिकली होता क्या है, जैसे आप देखते हो ना बैंक में कैशियर का काम है कैश लेना और कैश देना, है ना. पासिंग ऑफिसर का काम है कि चेक को पास करते हैं वो लोग कि पेमेंट कर दी जाए, है ना. और पासबुक एंट्रीज के लिए कोई और पर्सन होता है वहां पर, कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करने के लिए कोई और होता है. तो मतलब एक एक टास्क ना बेटा हर किसी को अलग अलग दे दिया, तो वो सेम टास्क एक वर्कर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा बार 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 बार. जो कैशियर है वो कैश के साथ डील करेगा डेली, है ना. तो वो स्पेशलाइज्ड बन जाएगा कैश डीलिंग्स में. दिस इज कॉल्ड डिविजन ऑफ वर्क. सो डिविजन ऑफ वर्क इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, राइट. नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस. बेटा ये जनरल गाइडलाइंस है, ये रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है. दीज आर नॉट द रेडीमेड सॉल्यूशन. मतलब ये मैनेजर को ये बताएंगे कि सैलरी क्या देनी चाहिए, फेयर रेमुनरेशन देना चाहिए, फेयर सैलरीज हमें देनी चाहिए हमारे एम्प्लॉयज को. लेकिन फेयर सैलरी होगी कितनी ये मैनेजर ही डिसाइड करेगा. फेयर सैलरी 30,000 होगी या 40,000 होगी या 50,000 होगी, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द मैनेजर. तो मतलब ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है बेटा, ये सिर्फ क्या है, एक जनरल गाइडलाइंस है. गाइडलाइंस है कि जिससे बस मैनेजर को ये पता लगता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. बट एक्चुअल में इन डेप्थ जाके जो सॉल्यूशन निकलेगा वो मैनेजर खुद ही निकालेगा. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट नॉट अ रेडीमेड सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम. नेक्स्ट बेटा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. ये जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं बेटा, ये पहले प्रैक्टिस की गई है. किसके ऊपर प्रैक्टिस की गई है, ये प्रैक्टिस की गई है ह्यूमन के ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, जो किसी ना किसी कंपनी के क्या हैं, वर्कर्स हैं. उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद, डीप ऑब्जर्वेशंस के बाद, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को क्या किया गया है, इवॉल्व किया गया है, जनरेट किया गया है. So the management principles are developed after deep observations and repeated experiments. Next beta, flexibility. Flexibility का मतलब होता है dynamic. Dynamic means जिसमें आप changes ला सकते हो. So management के principle भी बेटा dynamic in nature होते हैं, इसमें हम changes ला सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक बार management principle बन गया तो उसको हम बाद में हम उसे change नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है. इसमें हम इजीली चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपटीशन इन द मार्केट, डिपेंडिंग ऑन द एरा जहाँ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं. तो जैसे जैसे नीड्स चेंज होती हैं, एक कंपनी की नीड्स, एक आउटसाइडर्स की नीड्स, तो वैसे वैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में भी क्या किया जाता है, चेंजेस लाए जाते हैं. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायनेमिक इन नेचर, दे कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सिचुएशन टू सिचुएशन बेटा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल इन नेचर. बिहेवियरल इन नेचर मीन्स इस पे ये फोकस किया जाता है कि कैसे एक मैनेजर बिहेव करेगा अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, ठीक है, अपने टीम मेंबर्स के साथ, कैसे हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी है, राइट. तो जैसे कि हमें पता है हमारा जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता है इन अवर लाइफ, राइट. सो बिहेवियरल इन नेचर होते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी. ये प्रॉपरली बताते हैं कि एक मैनेजर को कैसे बिहेव करना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ ताकि हेल्दी रिलेशनशिप बनी रहे बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन डेवलपिंग हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बोलता है कि हर किसी पर्सन को रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे करने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के. मोर ओवर, जो भी उन्होंने कमिटमेंट की है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए. और इस प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में ये भी बोला गया है कि चाहे वो मैनेजर टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, या लोअर लेवल हो, या नॉर्मल एक एम्प्लॉई हो कंपनी का, जो रूल्स हैं दैट शुड बी एप्लीकेबल इक्वली टू ऑल. सब पे इक्वली ही एप्लीकेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी में कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो लेट आ रहे हैं तो उनकी सैलरी डिडक्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर मैनेजर है, मैनेजर को बिल्कुल फ्रीडम है चाहे वो 1 आवर लेट आए या वो 2 आवर्स लेट आए, ऐसा कुछ नहीं है. सबके लिए सेम रूल्स हैं, रिपोर्टिंग टाइम सबका सेम होना चाहिए. सो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में यही बोला गया कि सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट को इक्वली ही ट्रीट करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर.
आगे देखते हैं बेटा, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। मतलब एक मैनेजर को पता है कि अगर मैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छे से बिहेव करूंगा तो मेरे सबॉर्डिनेट्स मेरे से इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, मेरे सबॉर्डिनेट्स मेरे साथ टीम की तरह मिलकर ही काम करेंगे, है ना। तो मतलब कॉज एंड इफेक्ट उसे पता है कि अगर ये अप्लाई करूंगा तो इफेक्ट ये आने वाला है, जो भी पॉसिबल इफेक्ट है उसे पता है कि क्या होगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं फेयर रेमुनरेशन दूंगा अपने सारे इम्प्लॉयज को, मतलब मैं फेयर सैलरीज दूंगा अपने इम्प्लॉयज को, तो पता है उसे कि सारे इम्प्लॉयज मोटिवेट होकर काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, राइट। सो ये है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। मैनेजर को पता है कि जो भी मैं प्रिंसिपल आज अप्लाई करने वाला हूँ ऑर्गेनाइजेशन से, उससे मुझे क्या एंड रिजल्ट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। सो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। द मैनेजर नोज दैट व्हाट विल हैपन इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन।